एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइज क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी हमने स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई चैप्टर। एक्चुअली स्टार्ट नहीं, हम ऑलमोस्ट उसके एंड पर आ गए हैं आज। तो हमने काफ़ी सारे पार्ट सप्लाई के कवर कर लिए हैं। बट बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, एक क्विक रिमाइंडर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स चैनल पर कवर हो चुका है। और पूरा ही ना, मैंने एक लिंक बनाया है प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने सारी वीडियोज ऑर्डर में डाली हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करना है। सारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज ऑर्डर में या फिर टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वीडियोस देखें। और पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और देखिए और लोगों में शेयर करिए। इट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड इट वुड बी रियली अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड टूवर्ड्स आर चैनल एंड आर एफर्ट। एंड विद दिस आई विल मूव टू द टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आप मेरे साथ रेगुलरली सप्लाई के सारे पार्ट्स फॉलो करते हुए आए हैं अभी तक, एंड अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं, आपने डिमांड चैप्टर के भी सारे पार्ट्स देखे हैं, सो यू कैन डेवलप अ रिलेशन की सेम चीज़ें हो रही हैं जो डिमांड चैप्टर में हो रही थी, सेम चीज़ें सप्लाई चैप्टर में हो रही हैं कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड देन जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी थी डिमांड की, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं सप्लाई की। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अभी तक जो आपने पढ़ा था, जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे तो आपने लॉ ऑफ सप्लाई में, मैंने एक पॉइंट दिया था आपको कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वो ये बताता है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई डिक्रीज हो रही है। वो ये बता रहा है, वो आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन बता रहा है। क्या ये बताया कि किस क्वांटिटी से इंक्रीज हो रहा है, किस इंटेंसिटी से इंक्रीज हो रहा है, कितना प्राइस इंक्रीज है तो कितनी क्वांटिटी चेंज है, क्वांटिटी कहीं बताया नहीं। वहां पे एक पॉइंट था कि लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव, इट डजंट टेल यू द क्वांटिटी। क्वांटिटी या इंटेंसिटी कौन बताता है कि कितना प्राइस चेंज होने पे कितनी सप्लाई चेंज करेगा प्रोड्यूसर, किस इंटेंसिटी से, किस क्वांटिटी से चेंज करेगा, ये कौन बताता है? ये बताता है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स जो आपको बता रहे थे, रिलेशनशिप, सप्लाई को क्या इम्पैक्ट करेगा, किस तरह इम्पैक्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एवरीथिंग वी कवर्ड इन डिटेल। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी, या अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी डिक्रीज होगी, ठीक है। आज हम इंटेंसिटी यानी क्वांटिटेटिव लेवल पे पढ़ेंगे, विच इज नथिंग बट योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड विद द टॉपिक। सो इट रेफर्स टू द, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्राइस 1 रुपी से इंक्रीज हुआ तो कितनी डिग्री से रिस्पॉन्स दिया सप्लाई ने, विच मीन सप्लाई कितनी डिग्री से इंक्रीज हुई, ठीक है। यानी आप एग्जाम्पल लो, अगर प्राइस 1 रुपी से इंक्रीज हुआ और आपकी सप्लाई ने रिस्पॉन्स दिया कि आपने बोला प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मैं सप्लाई इंक्रीज करता हूँ, पर सप्लाई आपने सिर्फ 2 यूनिट से इंक्रीज की, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस 2 हुई। लेकिन अगर आपका प्राइस 1 यूनिट से चेंज हुआ और आपने सप्लाई 10 यूनिट से चेंज कर दी, तो आपकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी हुई कि ज़रा सा प्राइस चेंज होने पे बहुत अच्छे से सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो ये होती है आपकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इज इट ओके। देन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वॉट, ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू change in price of such commodity. So in reference to change in your price, कि कितना price change हो रहा है, what is the degree of responsiveness of the supply from your side, you being the producer, if the price is changing, how you are responding and how supply is responding to that change in price, that is nothing but your price elasticity of supply. Okay, so price elasticity of supply हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो मेथड से देख सकते हैं, जो मेन है that is percentage method. Percentage method में ये जो ES है, ये है price elasticity of supply, उसके short का मैंने ES लिखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी ES से डिनोट किया मैंने price elasticity of supply, which means elasticity and supply. So price elasticity of supply, okay. Then यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखा है, तो दैट इज परसेंटेज, एंड ये ट्राइंगल जो है इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब चेंज होता है, तो मैंने चेंज डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे ये लिखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका मतलब क्या है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाय हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड इज रिस्पॉन्डिंग एंड बाय हाउ मच इज इट चेंजिंग. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में. ठीक है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, चलो बात करते हैं. इतनी हम एक ग्राफ से बात करेंगे इसमें, और हम अभी पिछले कुछ एग्जाम्पल से या पिछली कुछ वीडियो से चॉकलेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम वही लेंगे. क्या हुआ, आपकी सप्लाई जो है यहाँ है, और आपने चॉकलेट कितनी प्रोड्यूस की, 20 रुपीज में आपने 100 चॉकलेट प्रोड्यूस की. ठीक है, 25 रुपीज में आपने कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस की, 25 में आपने 150 चॉकलेट्स प्रोड्यूस की. ठीक है, अब यहां से देखना है, प्राइस पहले आपका 20 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी ओरिजिनल. ठीक है, ओरिजिनल, इनिशियल, ओरिजिनल कुछ भी कह दो, इनिशियल प्राइस 20 रुपीज, तो आप कितनी चॉकलेट सप्लाई कर रहे हैं, 100, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई. नाउ व्हाट हैपेंड, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स और 5 रुपीज, सो नाउ द न्यू प्राइस इज 25 रुपीज. तो आपका ओरिजिनल पी था 20, ओरिजिनल क्यू था 100. ठीक है, पी चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ, 5 यूनिट से, तो आपका P1 यानी जो न्यू पी है वो कितना हो गया, 25 रुपीज. और न्यू पी पे आपकी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, आपकी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 150. ठीक है, दिस माइट लुक एज 180, दिस इज 150 आपकी न्यू क्वांटिटी हो गई. तो आपकी चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई, अब फॉर्मूले पे जाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज को ओपन करते हैं. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी हुआ है, नया क्वांटिटी 150 है, पुराना 100 था, 150 में से 100 माइनस करो, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. ठीक है, यही बात हो रही है. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी 150 है, ओल्ड 100 है, चेंज कितना है हमारी क्वांटिटी में, 50 का, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. ओरिजिनल कितनी थी, 100. तो वो हमें दिखा देगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, चेंज इन पी अपॉन ओरिजिनल पी इनटू 100. चेंज इन पी कितना हुआ, प्राइस कितना चेंज हुआ, न्यू प्राइस कितना है, 25, ओल्ड प्राइस कितना है, 20. 25 माइनस 20 आपका हो जाएगा चेंज इन प्राइस. ठीक है, अभी एग्जांपल से भी देख लेंगे अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है. बट आपका फॉर्मूला क्या कहता है फिर, कि आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हुई है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस. ठीक है, इंटेंसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस. सेम लाइंस पे है आपका प्रोपोर्शनल मेथड. प्रोपोर्शनल मेथड में क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल मेथड में यहाँ पे क्या था, इलास्टिसिटी थी, इलास्टिसिटी थी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, चेंज इन क्यू. हमने कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट की जगह उसको फॉर्मूला लिख दिया. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होती है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100. अब अगर मैं इससे 100 और 100 कैंसिल करना चाहूँ वो हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और इसमें चेंजेस करूं तो ये मेरा आ जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू, या फिर आप इसको ऐसे ले लो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय चेंज इन पी. कुछ नहीं, मैं इसको ऊपर ले आई. अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर दूं तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू. ये आ गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दूसरा फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मेथड. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इलास्ट परसेंटेज मेथड से ही निकाल दिया, लेकिन परसेंटेज मेथड से जो ये फॉर्मूला आता है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मेथड. आपका प्रोपोर्शनल मेथड इसको कहते हैं. इसको अब हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई है ना, तो बेटर है कि हम ना एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं. सो नीचे मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लिया हुआ है देखने के लिए. ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल रीड करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं. सपोज एट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट अ फर्म सप्लाइज 50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है,
ग्राफ बना के देखता है, चलो बात क्या हो रही है, ग्राफ भी बनाएंगे, डिटेल्स भी लिखेंगे, सब करेंगे, इतना अच्छे से एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि फिर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आने लगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ पे आपका प्राइस है। टेन रुपीज़ में फॉर्म कितनी 50 यूनिट सप्लाई कर रही है, यानी ओरिजिनल पी कितना है 10, ओरिजिनल क्यू कितना है 50, ठीक है। सो 10 रुपीज में 50 यूनिट्स आपकी सप्लाई हो रही है, हम यहां पर हैं कहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि व्हेन प्राइस राइजेस टू 12 पर यूनिट, प्राइस न्यू प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस हो गया 12, ठीक है। न्यू प्राइस 12 पे फर्म इंक्रीजेस सप्लाई टू 70 यूनिट्स, फर्म ने न्यू सप्लाई बढ़ा दी और कितनी कर दी 70 यूनिट्स। तो यानी अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ, 12 रुपीस प्राइस हुआ, 10 रुपीस था पहले, 10 से इंक्रीज होके 12 हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज होके कितनी हो गई यहाँ पे 70। तो अगर मैं ये पॉइंट ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो हम यहाँ कहीं हैं, तो यानी अगर मैं यहाँ से सप्लाई कर्व ड्रॉ करूँ तो आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व आ गया है मेरे पास, ठीक है। जहाँ पे ये आपका ओरिजिनल पी है, ये आपका न्यू पी है, ये आपका ओरिजिनल क्यू है, ये आपका न्यू क्यू है, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन की डिटेल्स हमने लिख ली हैं सारी, और हमें पता है हमें यहाँ से इस ग्राफ से और इस इंफॉर्मेशन से इलास्टिसिटी निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबसे पहले ना इसको छोड़ो, परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ, ये सबसे पहले देखते हैं आपके प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज हुआ। पहले तो प्राइस बदला ना, प्राइस 10 रुपीज से 12 रुपीज हुआ ना, कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में, चलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका हो गया P1 - P अपॉन पी इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। P1 कितना है 12, ओरिजिनल पी कितना है 10, ओरिजिनल पी कितना है 10 इंटू 100, यहाँ से ये गया कितना आ गया 12 - 10 - 2 × 10 यानी 20%। आपका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 10 से 12 होने का मतलब क्या है, प्राइस में जो इंक्रीज है वो कितने परसेंट का है, 20% का इंक्रीज है प्राइस में, ठीक है। अब 20% इंक्रीज है प्राइस में, उसकी वजह से आपने कितनी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज की है, कितना परसेंट आपने क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज किया है ड्यू टू 20% इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस 20% इंक्रीज हो गया आपके प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट पहले आप 10 रुपीज में सेल कर रहे थे, नाउ यू आर सेलिंग इट फॉर 12 रुपीज, विच मीन्स योर प्राइस हैज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कितनी सप्लाई आपकी चेंज हुई क्वांटिटी की, तो फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी सॉरी न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। ये क्या होता है ऊपर Q1 - Q क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो आपका न्यू क्वांटिटी कितनी है 70, ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 50 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, 50 × 100, ठीक है। और ये क्या हुआ 70 - 50 20 × 2 विच इज 40%। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज आया 20%, यानी मार्केट में आप कुछ सेल करने जा रहे थे, आप प्रोड्यूसर हो, आप मार्केट में 10 रुपये में 50 यूनिट सेल कर रहे थे, अचानक से प्राइस 12 मिलने लगा आपको सेम चीज़ का, सेम चीज़ जो आप 10 रुपीज़ में बेच रहे थे मार्केट में, उस चीज़ के अब आपको 12 रुपये मिलने लगे, यानी आपको 20% इंक्रीमेंट हो गया जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो। तो आपने कहा मैं सेम क्वांटिटी क्यों सप्लाई करूं 10 में, अगर मैं 50 यूनिट सप्लाई कर रहा था तो मैं 50 क्यों करूं 10 में, अब मेरा 12 प्राइस हो गया तो मैं और क्वांटिटी सप्लाई करता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो 20% इंक्रीज हुआ प्राइस में, उसकी वजह से आपने क्वांटिटी जो सप्लाई करनी थी वो 40% इंक्रीज कर दी। यहाँ पे ये जो इंक्रीज आया 50 से 70 का, ये कितना है 40% इंक्रीज। ड्यू टू 20% इंक्रीज इन प्राइस यू इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड बाय 40%। इलास्टिसिटी क्या हुई,
इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इलास्टिसिटी होती है. तो इलास्टिसिटी क्या हो गई यहाँ पे, प्राइस में क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया, 40% किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस की वजह से. यानी 20% 40% अपॉन 20% प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हुई, कट के क्या हो गया, 2. तो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हुई आपकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का 2 का मतलब हो गया आपका कि आपकी 20% इंक्रीज होने की वजह से प्राइस में आपने 40% इंक्रीज किया अपनी सप्लाई में. ठीक है, और डिटेल में 2 का मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर इज परफेक्ट इलास्टिसिटी, इम्परफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि आपका 2 कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. लेकिन यहाँ के लिए आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं आप इतना पार्ट करके भी कर सकते हैं. नाउ यू नो द परसेंटेज मेथड एंड नाउ यू नो द प्रोपोर्शनल मेथड. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग एंड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल वेरी वेल जो आपको डिटेल में मैंने सप्लाई कर्व ड्रॉ करके सारा का सारा बोर्ड पे आपके सामने है एग्जाम्पल कैसे हम इलास्टिसिटी तक पहुंचे हैं. इवन दैट शुड बी क्लियर. एंड अ क्विक पॉइंट कि आपकी जो इलास्टिसिटी है आप ये देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता, इलास्टिसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. हमने वहां पे देखा था, सो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे हमने देखा था कि आपका जो नेगेटिव इलास्टिसिटी नेगेटिव में आता था तो वो इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होता था, वो माइनस का मतलब होता था नेगेटिव रिलेशनशिप कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है. ठीक है, नहीं नेगेटिव रिलेशनशिप था. यहाँ पे रिलेशनशिप नेगेटिव है नहीं, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होती है, यानी माइनस का चांस ही नहीं है. तो आपकी इलास्टिसिटी माइनस में हो ही नहीं सकती. ठीक है, इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव ही होगी, यहाँ पे माइनस में नहीं होगी, माइनस का कोई चांस नहीं है. सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और बाकी सारा ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए. सो आपको काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आपको और अच्छे से इलास्टिसिटी की इंटरप्रिटेशन और इलास्टिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की इंटरप्रिटेशन जानने को मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. एंड ये वाली पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू, मतलब इफ यू आर टिल हियर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. एंड अंटिल वी मीट next time, take care and bye bye.